जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। फिलहाल दोस्तों हम आपको लेके आ चुके हैं मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आज कवर करने वाले हैं मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार आज की जो अपडेट होने वाली है फ्रेंड, क्योंकि हम आपको लेके चलेंगे मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पूरा कवर कराएंगे और बाहर से जो RCC कहाँ तक हो चुकी है वो पूरा दिखाएंगे आज की वीडियो के माध्यम से फ्रेंड। और मेन एंट्रेंस, मुख्य भवन, सारा कुछ आज कवर करने वाले हैं फ्रेंड। और वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है फ्रेंड, क्योंकि भयंकर तरीके से डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे फ्रेंड। सो बने रहिएगा वीडियो पे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आइए चलते हैं सीधा लेके आपको मुख्य भवन दिखाते हैं बाहर से। दूसरी तरफ से मैं एंट्री करा, मैंने सोचा कि इस तरफ का पूरा आज कवर करते हैं, और देख सकते हैं RCC पूरा इस तरफ भी RCC ढलिया होगी। और इस तरफ दिखा देते हैं आपको, इस तरफ पूरे माल मटेरियल रखे हुए इस तरफ, और JCB जो होती है उसके माध्यम से पूरे कार्य किए जा रहे हैं। और आपको ले चलते हैं इस तरफ पूरे, देख सकते हैं आप लोग भयंकर तरीके से मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रिडेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं फ्रेंड। सो बने रहिएगा वीडियो पर, ये आपको दिखाते हैं पूरा कवर करते हैं आज की वीडियो में फ्रेंड। तो हमने देखेंगे फ्रेंड, तो इस तरफ से एक रास्ता एग्जिट है जिसको कि बंद क्लोज कर दिया गया है, और सामने देखेंगे ये पूरा रिडेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं फ्रेंड। और इस तरफ देखेंगे कुछ खाने पीने की स्टॉल दुकानें मिल जाएंगी आपको, और इस तरफ देखेंगे पूरा भयंकर तरीके से जो कंस्ट्रक्शन रिडेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं फ्रेंड, JCB के माध्यम से किए जा रहे हैं पूरे कार्य। और ये पूरा चौड़ा एंट्रेंस बनाया जाएगा, और इस तरफ जो, अगर मैं जिस तरफ से आया हूँ, ये पूरा जो चौड़ा एंट्रेंस पूरा बनाया जाएगा रास्ता। सो बने रहिएगा वीडियो पे, आइए चलते हैं आपको आगे की तरफ से लेके चलते हैं दिखा। सो फ्रेंड देखेंगे सामने की तरफ ये कंस्ट्रक्शन पूरे चल रहे हैं, और बहुत ही भयंकर तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। सामने देखेंगे इस तरफ पार्किंग है, और इस तरफ यहाँ पे दीवार पूरी बाउंड्री बनाई जाएगी, और पार्किंग को भी बेहतरीन डेवलप किया जाएगा, पूरा ये RCC किया जाएगा। और आगे की तरफ जो है छड़ वगैरह उस बिछाए जा रहे हैं, और बाकी ये JCB के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं फ्रेंड। लेके चलते हैं आपको मुख्य भवन दिखाते हैं, और आगे की तरफ जो RCC ढलैया कहाँ तक हो चुकी है वो दिखाएंगे आपको। सो बने रहिएगा वीडियो पे, और बाकी इस तरफ से ये पूरा चौड़ा एकदम बेहतरीन मार्ग बनाया जाएगा, दोनों तरफ से रास्ते होंगे। ये इस तरफ से रेलवे ब्रिज के नीचे जाएगा, और ये इस तरफ सामने जो है वो रास्ता देखेंगे आप मऊ बस स्टैंड की तरफ से आता है। सो आइए चलते हैं आपको लेके। और फ्रेंड अगर बात करें जो इस तरफ ढलैया हो रही है, RCC जो ढाला जा रहा है, और सीवर वगैरह सब कुछ बेहतरीन बनाए जाएंगे। इस तरफ पूरा जो गार्डन बनाया जाएगा, ये जो जगह छोड़ी गई है इस तरफ, ये पूरा गार्डन बनाया जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे फ्रेंड। और इस तरफ देखेंगे RCC की जो ढलैया पूरी बेहतरीन करी जा रही है यहाँ पे, और आगे की तरफ पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो में ये कुछ भी नहीं हुआ था, इस बार आपको दिखाते हैं। काफ़ी कुछ नए कार्य हो चुके हैं अब की बार, जो वीडियो में शूट कर रहा हूँ अब की बार काफ़ी कुछ नए कार्य हो चुके हैं। इस तरफ देखेंगे आप पूरा जो RCC की ढलैया करी जा रही है फ्रेंड। और ये है हमारा सामने मऊ जंक्शन का मुख्य भवन, आधुनिक देखने में भी लग रहा है, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा फील आपको आएगा यहाँ पे आने के बाद। और यहाँ पे जब आप विज़िट करते हैं मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, तो आपको ये फीलिंग ज़रूर आएगी कि आप कहीं एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। और इस तरफ आपको दिखा दें अगर फ्रेंड, तो ये पूरी कम्प्लीट जो RCC की ढलैया हो चुकी है, जो अगली बार मैं आया था तो हुआ नहीं था ये कार्य। और साइड की जो बाउंड्री है, जो दीवारें हैं, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, बना दी जा चुकी हैं फ्रेंड। और वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी आज की, अपडेट काफ़ी बेहतरीन होने वाली है फ्रेंड। मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन का ये मुख्य जो रास्ता है, मेन एंट्रेंस यही है, इधर से आप एंट्री करेंगे, जो कि बस स्टैंड की तरफ सामने बस स्टैंड है, और ये इस रास्ते से आप आएँगे। और आने जाने का दोनों रास्ता बनाया गया है, बीच में डिवाइडर है, और बीच में पूरे जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं फ्रेंड। और इस तरफ ये देखेंगे यहाँ तक पूरी डिज़ाइन बेहतरीन बनाई गई है, बेहतरीन, और पूरा जो RCC किया जा रहा है देख सकते हैं, होर्डिंग लगी है, काफ़ी शानदार लग रहा है। और यकीन मानिए आप यहाँ पे आने के बाद, अगर आप यहाँ पे आते हैं मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, तो आपको ये चीज़ श्योर है कि आप, मतलब ये फील आएगा आपको कि आप किसी एयरपोर्ट पर आ चुके हैं फ्रेंड। सामने देख सकते हैं आप लोग ढलैया का कार, जो RCC ढलैया का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो देख सकते हैं फ्रेंड ये पूरा RCC की ढलैया का कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। उस तरफ से बाउंड्री रहेगी, एक रास्ता उस तरफ से भी है, और बाकी सामने देखेंगे इस तरफ पूरे कार्य हो रहे हैं।
मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे इस तरफ देख सकते हैं आप लोग, पूरा जो आरसीसी ढलैया का कार्य चल रहा है और मुख्य भवन क्या ही बात है, एकदम बेहतरीन लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी शानदार। बाकी फ्रेंड अगर देखा जाए तो इस तरफ पार्किंग है, इस तरफ देख सकते हैं आप लोग पार्किंग, आगे एक तरफ से मैंने दिखाया पार्किंग, और इसका भी कुछ ना कुछ विकल्प होगा, इसको भी कुछ ना कुछ सौंदर्यीकरण किया जाएगा, बाकी यहाँ से दीवारें जो वो बनाई जाएंगी, और इस तरफ पूरा जो गार्डनिंग करी जाएगी, ये जो डिवाइडर बनाए गए हैं, और इस तरफ देख सकते हैं आप लोग काफ़ी भयंकर तरीके से जो वर्क हो रहे हैं, रीडेवलपमेंट वर्क किए जा रहे हैं फ्रेंड, और पूरा आरसीसी की ढलैया करी जा रही है इस तरफ, और सामने मुख्य भवन पे जो भी कार्य थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड। अब जो फ्रेंड हम आपको लेके चलते हैं, बाकी इस तरफ देखेंगे आप रैंप बनाया जाएगा, काफ़ी चौड़ा रैंप होगा, स्टील के जो पूरे बैरिकेडिंग, ये स्टील के जो रेलिंग ये बना दिए गए हैं, यहाँ पे पूरे पत्थर रखे हुए हैं, पूरे मुख्य भवन पे लगाए गए हैं ये पत्थर, और ये पत्थर जो राजस्थानी पत्थर हैं ये कभी ख़राब नहीं होते फ्रेंड। और सामने देखेंगे काफ़ी बड़ा जो शेड बनाया गया है, और कुछ यहाँ पे गाड़ियाँ जो पार्क करी जा रही हैं इमरजेंसी में, अगर आप आते हैं तो चंद मिनट के लिए आते हैं तो यहाँ पे खड़ी करके आप जा सकते हैं। बाकी मुख्य भवन का व्यू जो देखेंगे वो काफ़ी शानदार, वीडियो के माध्यम से फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी शानदार। और एक LED इस तरफ लगाई गई है, एकदम अंदर की साइड में लगाई है, वो दिखा देते हैं आपको। पहली बार आया था फ्रेंड तो ये रेलिंग जो ये बनाई नहीं गई थी, इस बार ये रेलिंग स्टील की काफ़ी बेहतरीन बना के लगाई गई है फ्रेंड, सो काफ़ी शानदार लग रहा है। और इस तरफ देखेंगे एक LCD के माध्यम से सारी ट्रेनों की जो सूची यहाँ पे आपको मिलती जा रही है, और बाकी मुख्य भवन पे देखेंगे आप पूरे जो राजस्थानी पत्थर लगा के पूरा कंप्लीट बनाया जा चुका है, झंझट ख़त्म हो गया, जो पेंट करने वाला झंझट रहता है, हर बार पेंट करते हैं और ख़राब होता है। और बाकी फ्रेंड देखेंगे आप लोग इस तरफ, अगर मैं मुख्य भवन के नीचे आप जो वेटिंग, एक बड़ा सा वेटिंग हॉल मिल जाएगा सामने पूछताछ, और इस तरफ कुछ अंदर में टिकट आरक्षण है जहाँ से टिकट प्राप्त कर सकते हैं आप। और यहाँ पे देखेंगे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन, जालियाँ लगा के काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है, वो हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे जाली नुमा कुछ डिज़ाइन बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी शानदार लग रहा है। फ्रेंड बात करें अगर अंदर, ऊपर डोरमेट्री है, और ये देखेंगे पूरी फॉल सीलिंग ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी शानदार जो फॉल सीलिंग बनाई गई है। और अगर इस तरफ बात करें तो यहाँ पे टिकट आरक्षण, और टिकट आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, बाकी सामने ट्रेनों की सूची डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ट्रेनों की सूची मिल रही है आपको, और काफ़ी बढ़िया जो डिज़ाइन पूरा ये फॉल सीलिंग, अगली बार आया था मैं तो अगली वीडियो में ये फॉल सीलिंग पूरा कम्प्लीट बना नहीं था जो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। और ऊपर जो डोरमेट्री है, इस तरफ से रास्ता है डोरमेट्री पे जाने का, और बाकी इस तरफ से बेहतरीन रास्ता जो मेन एंट्रेंस है आपको आने जाने के लिए, अगर आपको इमरजेंसी है, अगर खिड़की से टिकट नहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं टिकट, 2-4-5 रुपये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लेते हैं ये लोग। बाकी फ्रेंड अगर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म संख्या 1 ये पूरा कम्प्लीट बनाया जा चुका है फ्रेंड, और इस तरफ दिखा देते हैं आपको पूरे जो यात्री लेके चलेंगे आपको फ्रेंड, पूरा जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 है इस पर क्या कार्य हो चुके हैं वो सब कुछ कंप्लीट दिखाने वाले हैं आज के वीडियो के माध्यम से फ्रेंड, सब बने रहिएगा। काफ़ी शानदार बनाया जा चुका है मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म संख्या 1, उस तरफ एक स्टॉल आपको देखने को मिल रहा है, और बाकी इस तरफ कार्य जो चल रहे थे अगली बार वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी सामने देखेंगे खाने पीने की पूरी बेहतरीन सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं फ्रेंड, पूरे लाइन से स्टॉल हैं खाने पीने के, और सामने जो एक कोई रेक, खाली रेक लगाया गया है, बाकी लेके चलते हैं आपको आगे की तरफ से कुछ कवर करते हैं फिर। अगर देखा जाए फ्रेंड तो इस तरफ पूरा यहाँ तक लगा दिया जा चुका है, फॉल सीलिंग का कार्य हो चुका है, और आगे की तरफ लेके चलते हैं आपको, जो कि अभी आगे टीन शेड पूरा नया बनाया जा रहा है, और आगे की तरफ जो है वो फॉल सीलिंग अभी लगाना बाकी है और कार्य चल रहे हैं। टीन शेड नया जो बनाया जा रहा है वो दिखा देते हैं आपको वीडियो के माध्यम से फ्रेंड, बने रहिएगा वीडियो पे। और फ्रेंड अगर देखा जाए इस तरफ जो टीन शेड का निर्माण कार्य चल रहा है तेज़ी से, और वायरिंग वगैरह ये सब कुछ कार्य हो रहे हैं यहाँ पे, बाकी इस तरफ देखेंगे अभी भी टीन शेड पे वर्क होना बाकी है। और बाकी इस तरफ अगर दिखाएँ तो ये पूरा वहाँ तक टीन शेड कम्प्लीट है, फॉल सीलिंग वहाँ तक बना के तैयार कर दिया जा चुका है फ्रेंड, सीलिंग लगाई जा रही है और बहुत ही बेहतरीन बनाई जा रही है फॉल सीलिंग, और
यात्रियों के बैठने की काफ़ी अच्छी सुविधा है जो यहाँ पे, और बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पे फॉल सीलिंग जो देखेंगे आप, वो काफ़ी अलग डिज़ाइन की बनाई जा रही है बिल्कुल। और यहाँ पे डिजिटल बोर्ड एक लगाया गया है जिसके माध्यम से यात्रियों को ट्रेनों की जो सूची मिलती रहेगी। आ जाते हैं प्लेटफॉर्म संख्या एक पर ही, जो कि यहाँ पे देखेंगे आप पूरा जो बैरिकेडिंग करी गई है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो चल रहे हैं। तो बाकी फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एंगल जो रखे हुए हैं, और इस तरफ से एक एग्जिट बनाया जाएगा। इससे पहले जो एक एग्जिट था वहाँ पे, आगे की तरफ दिखा पा रहा हूँ मैं, वहाँ से एक एग्जिट था जिसके माध्यम से आप लोग बाहर निकल के जाते थे, और अब जो है वो नए तरीके से पूरा बनाया जा रहा है। और बाकी ये पूरा प्लेटफॉर्म पूरा लास्ट तक एंडिंग पॉइंट तक बनाया जाएगा, पूरा इस तरफ तक पूरा एंडिंग पॉइंट तक बनाया जाएगा। बाकी सामने जो हमारा 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद 4 नंबर 5 नंबर जो उसका कार्य हो रहा है तेज़ी से, वो चलते हैं आपको दिखा देते हैं। ये फ्रेंड देखेंगे सामने दुर्ग एक्सप्रेस का यहाँ से डिपार्चर हो रहा है, प्लेटफॉर्म संख्या 1 से इसका डिपार्चर हो रहा है। अब हम आपको लेके चलेंगे प्लेटफॉर्म संख्या 4 जो नया बनाया जा रहा है वो दिखाएंगे। इस तरफ देखेंगे फ्रेंड जो लोकोमोटिव खड़ा है, गोरखपुर Wave 4 है, तो इसके बिल्कुल बगल में ही है जो प्लेटफॉर्म 4 नंबर बनाया जा रहा है, उसको काफ़ी बेहतरीन बनाया जाएगा। अभी थोड़ी देर में आपको दादर एक्सप्रेस का भी अराइवल दिखाएंगे, प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे आएगी, उसका अनाउंसमेंट हो गया है फ्रेंड, बने रहिएगा वीडियो पे। बाकी फ्रेंड देखेंगे आप लोग जो नए प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य चल रहा है वो दिखा देते हैं हम। देख सकते हैं पत्थर वगैरह यहाँ पे रखे जा रहे हैं जो प्लेटफॉर्म पे लगाए जाते हैं। इस तरफ ये नया ट्रैक बिछाया गया है, और इस तरफ भी नया ट्रैक बिछाया जाएगा। जब बिछ जाएगा तो ये 5 नंबर उस तरफ होगा, और बाकी ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और पूरा दिखा देते हैं आगे कार्य हो रहे हैं वो सब कुछ दिखा देते हैं वीडियो में, बने रहिएगा वीडियो पे। और इस तरफ एक मस्जिद है, बहुत ही आलीशान काफ़ी पुरानी मस्जिद है। इस तरफ एक रैक लगाया गया है, काफ़ी थकान हो जाती है फ्रेंड, काफ़ी दूर से आजमगढ़ से आया और फिर उसके बाद कवर कर रहा हूँ और काफ़ी थकान हो जाती है फ्रेंड, बने रहिएगा वीडियो पे दिखाते हैं। बाकी इस तरफ एक आनंद विहार का खाली रैक लगाया गया है जो कि मऊ से आनंद विहार तक जाती है। और बाकी देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 बनाया जा रहा है, और काफ़ी तेज़ी से वर्क चल रहे हैं। अगली बार आया था मैं तो कुछ भी समझ लीजिए ये पत्थर उत्थर नहीं लगाए गए थे, और आज की डेट में जो देख सकते हैं आप लोग पूरे लगा के तेज़ी से कार्य हो रहे हैं। और आपको आगे चल के दिखा देते हैं पूरा क्या कुछ नए कार्य हो चुके हैं, कब तक ये कम्प्लीट हो जाएगा।